नमस्कार, मैं मीरा सुभाष कुल्लू से। मुझे ये बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैं मिसेज़ इंडिया के फिनाले के लिए सेलेक्ट हुई हूँ और आज मैं आपके सामने मिसेज़ इंडिया की टूरिज़्म क्वीन एज अ गाइड आपके सामने आई हूँ। मैं ऐसे तो कुल्लू में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अच्छी अच्छी जगहें हैं जैसे कि बिजली महादेव, अपना कुल्लू का बचौरा का बिजलेश्वर महादेव का मंदिर एंड मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा एंड राम मंदिर। ये सभी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं कुल्लू में, बट मैं आपको जहां लेके आई हूं वो है शाराबाई गोंपा। ये मुझे बहुत ही पसंद है प्लेस क्योंकि ये एकांत में है और शोर शराबे से बहुत ही ज़्यादा दूर है। ये हमारे कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे होगा और NH से ये हार्डली 1.5 किलोमीटर होगा। तो आपको आप जब यहाँ आएंगे तो आपको एक अलग ही शांति मिलेगी। और इस गोंपा का नाम है डेचन छोड़ंग। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने गोंपा के अंदर, जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं शायद। आइए आपको लेके चलती हूँ गोंपा की सैर में। सैर में आइए। ये है गोंपा परिसर। यहाँ पे रोज सुबह मॉर्निंग में योगा और मेडिटेशन कराया जाता है जो आपको हेल्दी रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहा सामने गोंपा परिसर। यहाँ आके आप स्टे भी कर सकते हैं। अगर आप किसी NGO या सामाजिक संस्थान से जुड़े हैं तो आपका आसानी से यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है यहाँ पे रूम मिलना। ये देखिए कितना सुंदर है हमारा गोंपा, शाराबाई का गोंपा। यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, बड़े आए हुए हैं, इंजॉयिंग द गोंपा ब्यूटी। और देखिए कितना पीसफुल है ये। सॉरी, मैं आपको अपने साथ अंदर नहीं ले जा सकी। अंदर का जो अद्भुत नज़ारा है वो आप नहीं देख सके, वो आपने मिस कर दिया क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रोवाइडेड है। मैं आशा करती हूँ आपको ये जगह बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ आप यहाँ आएँ और यहाँ की सुकून और शांति को महसूस करें। आपसे मेरा एक विनम्र आग्रह है कि जब आप हिमाचल कुल्लू मनाली जब भी आएँ, अपनी जो गाड़ियों से बियर की बॉटल या कोई अन्य प्लास्टिक की बॉटल सड़क पे ना फेंके और जो प्लास्टिक के रैपर्स हैं उन्हें भी प्लीज़ आप रोड पे ना फेंके। मेरा संदेश मैं ये देना चाहूँगी, प्लीज़ सेव हिमालयाज़। Thank you.